बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, दैट इज़ हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल। तो इसके लिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर्स का तसलसल हम अपना कायम रखेंगे और उसी सिलसिले में आज जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो ऑक्टल से डेसिमल में करने जा रहे हैं। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल होगा जो हमारे पिछले लेक्चर्स में इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके से हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया था डेसिमल में, उसको पहले हमने कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने इसी तरीके से ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर जो बेस होगी वो ऑक्टल की मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लासों में भी अपने किया है वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास कन्वर्ट 55.5 बेस इनटू डेसिमल, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने किसके अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, हम लोगों ने इसकी सोल्यूशन करनी है। जो फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने करना है एक्सप्रेस करना है 555.8 को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हियर एन इज इक्वल टू 2 बिकॉज देयर इज ओनली 2 वैल्यूज 1 एंड 2, ठीक है। 5 5 दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू, सो दिस इज नॉट इक्वल टू थर्ड वैल्यू, बट ये टोटल नंबर इसमें 3 है और वैल्यूज इसकी हमने 2 लेनी है, एन की वैल्यू 2 होगी। सो हमारे पास 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकॉज जो प्लेस होल्डर है बेस है वो 8 है यहाँ पर, ठीक है। 8 और हमारे पास टोटल वैल्यू 2 है, पहली वैल्यू है 2 माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 2 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 2 माइनस 3 बिकॉज ये तीनों 5 ही हैं, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर माइनस 1। सो इज इक्वल टू 5 8 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 पावर 0 से 1 आते हैं प्लस 5 माइनस को हटाने के लिए 5 बाय 8, इट्स इक्वल टू 40 प्लस 5 प्लस 0.625, इट्स इक्वल टू 45.625 एंड बेस 10। सो ये था हमारे पास सिंपल कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। और इसका यही एक मेथड है इसको कन्वर्ट करने का। तो हमारे पास इस तरीके से हमने पावर ली 8 पावर 2 माइनस 2 से, जो 8 पावर 0 से 1 आते हैं, 5 रन हुआ और इसका माइनस को करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, 40 प्लस 5 हो गया और फिर 0.5, तो 45.625 हमारे पास आंसर आया है। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स में आपको यही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने 45.625 को कन्वर्ट किया था ऑक्टल में, तो हमारे पास यही आंसर आया था। आज उसको हमने रिवर्स किया, 55.5 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो देखिए हमारे पास वही आंसर आया 45.625। तो ये एक सिंपल कन्वर्जन थी फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। और इसके बाद हम लोग जो अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसी ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है। इसी ऑक्टल को अब हम कन्वर्ट करने जाते हैं इनटू बाइनरी। बाइनरी में जब भी किसी ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव 2 मेथड्स, टू मेथड्स। वन मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड
एंड द अदर इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. Whenever we are going to convert the octal number into binary, we have two methods. One is called direct method and other is called indirect method. In direct method, what do we do? In direct method, we make a pair of three bits. Similarly, jab hum log, when we are going to convert binary into octal, directly, so we make a pair of three. Same in the case of octal to binary direct method, we make a pair of three bits. Clear? हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम इनडायरेक्ट को लेते हैं. इन इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है? इनडायरेक्ट मेथड, फर्स्ट वी कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल एंड देन फर्स्ट स्टेप में एंड देन दिस डेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी. सो इन इनडायरेक्ट मेथड फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस ऑक्टल इनटू डेसिमल एंड देन दिस डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर. सो हम लोग अपना ये क्वेश्चन को हल करने जाते हैं कि ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है हमारे पास. ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, 55.5 बेस 8 को हमने कन्वर्ट करना है इन टू बाइनरी बाय इनडायरेक्ट मेथड. बाय इनडायरेक्ट मेथड, so when we are going to convert this octal number into binary by indirect method, so in first step we convert this octal number into decimal. ठीक है, first step में we convert this octal into decimal. कैसे होगा? इससे पहले अभी हमने वही किया. कैसे होगा? हमने कन्वर्ट किया 55.5 बेस 8 को 5 मल्टीप्लाई बाय 8. सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे हम. ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो आपके पास है 2 माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस 5 8s आर 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 8s पावर 0 प्लस 5 बाय 8 इज इक्वल टू 40 प्लस 5 प्लस 0.625 इक्वल टू 45 प्लस 0.625 एंड देन 45 प्लस 0.625 बेस. इसको ऐड किया हम लोगों ने तो वी गेट 45.625 एंड बेस हमारे पास आ जाएगी. क्या बेस आ जाएगी? हमारे पास 10. सो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? वी कन्वर्ट 55.5 बेस 8 इनटू डेसिमल फर्स्ट स्टेप में. तो ये हमारे पास कंटिन्यू है क्वेश्चन. क्लियर हो गया उसी तरीके से जैसा कि हमने इससे पहले कन्वर्ट किया. नाउ ये यहां तक क्लियर होने के बाद नाउ वी कन्वर्ट दिस नंबर दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नाउ. सो we convert in first step we convert 55.5 base 8 into 45.625 decimal and now this decimal is going to convert into binary. Clear? So in second step we convert this decimal number into binary to get the octal equivalent. Clear? So hamare paas number hai first, because this value involves both the integer value and the fractional value, so first we take the integer value, that is
Clear? 45 clear. So if we take the 45 divided by 2, because we are going to convert the decimal into binary. 2 se kya 2, 2, 2 zar 4, to 2 zar 4. Remainder is 1. One thing important is that कि आपने always remainder लिखने हैं. अगर आप remainder नहीं लिखेंगे तो you will get nothing at the end. Okay? 2 11s are 22, remainder is 0. 2 5s are 10, remainder is 1. 2 2s are 4, remainder is 1. 2 1s are 2 and remainder is 0. So you get here 55.5 base 8 is equal to 45.625 base 10 is equal to 1. यहाँ से again यहाँ से ये और bottom से top left to right and bottom to top you take the last quotient and then remainders. So 1 0 1 1 0 1 point, because fraction value will be that here. So in second step, second उसमें आप secondly आप निकाल लेना है 0.625 को multiply करना है 2 के साथ. 2 5s are 10, 1 remain, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 6s are 12, 1 carry. Carry को आपने multiply नहीं करना होगा. So carry as it is नीचे आएगा. Again multiply. एक student ने comments में मुझसे पूछा कि सर यहाँ के आने के बाद क्या करें. तो देखें जब तक जीरो नहीं हो रहा या ये कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही या आप मैक्सिमम डिजिट्स तक मल्टीप्लीकेशन नहीं करते फ्रैक्शनल पॉइंट्स तक, तो देन आप लोगों ने मल्टीप्लाई कैरी रखना होगा. क्लियर हो गया? सो अगेन 2 0 0 2 5 0 10 1 कैरी 2 2 0 4 ठीक है एंड कैरी नथिंग टू जीरो आ गया प्लस मल्टीप्लाई हो गया. फिर अगेन 2 0 0 0 2 0 0 0 ठीक है ओके. इस तरह हमने जो किया 2 0 2 2 5 10 0 1 ऊपर किया 2 2 4 plus 1 5 इधर 5 आ रहा था. क्लियर? 2 5 10 0 जरा 1 कैरी किया 1 आपके पास नीचे आया. यहाँ पर आप मजीद मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है. सो यू टेक दिस वैल्यूज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पर बॉटम से टॉप क्वेश्चन देन लास्ट रिमाइंडर एंड देन टॉप की तरफ जाना है. यहां पर हमने टॉप से बॉटम की तरफ आना है. तो आपके पास वैल्यू की है 1 0 एंड 1 ब्रैकेट किया 2. नाउ दिस 55.5 ऑक्टल इज इक्वल टू दिस बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर. सो ये हमारे पास मेथड टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू to convert the octal number into binary by indirect method. First we convert the octal number into decimal, okay, by converting the octal number into exponential form, and then this after getting the decimal number we convert the decimal number into binary by double level method. Okay, so ye tha indirect aur answer jo aaya hamare paas वो आया है. आप अपने साथ लिख लें बिकॉज अब हम इसको जा रहे करने के लिए डायरेक्ट मेथड के जरिए. तो बोथ द आंसर्स शुड बी सेम. ओके सो अभी आंसर आपके पास क्या आया 1011 1011 1011.101 ठीक है. ये आपके पास एक आंसर आया है. इसी को क्वेश्चन को अब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड बहुत से स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद आता है बिकॉज डायरेक्ट मेथड के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को. सेम क्वेश्चन है, इसको आपने कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने पहले बताया कि यू हैव टू मेक अ पेयर ऑफ थ्री बिट्स. जैसा कि हम लोगों ने कन्वर्ट करते वक्त बाइनरी को ऑक्टल में 3 का पेयर बनाया था, यहां पर भी बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट यू विल राइट 5 5
डॉट फाइव, इसके तीन तीन के पेयर्स बना दें। पेयर बनाने जीरो जीरो जीरो, अभी जस्ट पेयर बना रहा हूं, वन टू थ्री, वन टू थ्री पेयर बना दिए। इन पेयर्स के ऊपर वैल्यूज लिख लिए, वन टू फोर, वन टू फोर, ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, ये वैल्यूज इस तरह आपने डालनी है, वन टू फोर। हमेशा वैल्यू आपने फ्रॉम राइट साइड लेनी है, लेफ्ट साइड से अगर वन टू फोर डाला तो सारा क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा। क्लियर? नाउ वन टू फाइव, फाइव के लिए कौन कौन सा बिट ऑन करना है? फाइव के लिए आपने वन वाला ऑन किया और फोर वाला ऑन किया, बाकी जो है वो ऑफ रहेगा। जीरो को मस्ट लिखना है, ठीक है? डॉट इधर भी वन जीरो वन, वन वाला ऑन किया, फोर वाला जीरो। उसके बाद इधर भी आपने वन ऑन किया एंड फोर ऑन किया, जीरो। ये जीरो दरमियान में लिखना लाजमी है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? इधर कोई जीरो है लिखना लाजमी है, एंड में इधर कोई जीरो आ जाए तो अगर आप वो लिखे या नहीं लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडल में और राइट साइड में जो जीरो आए उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया, 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया, 101101.101 base 2। ये देखिए मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है पहले से, जो कि हमने इनडायरेक्ट से किया, तो बोथ द आंसर्स आर सेम नाउ, सो इट्स मीन कि हमारा मेथड करेक्ट है और इसमें कोई गलती नहीं है। अगेन देख लें, 555 को लिया, इसके हर एक बिट का 3 का पेयर, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू ऑक्टल वी हैव टू मेक अ पेयर ऑफ 3 बिट्स। सिमिलरली व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू बाइनरी वी हैव टू मेक अ पेयर ऑफ 3 बिट्स अगेन हियर। सो हमने कन्वर्ट किया 3 3 का पेयर, तो 3 का पेयर पेयर पहले मैंने 0 0 लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अभी कोई वैल्यू ऑन नहीं है। अब हमने इस वैल्यू से 5 बनाना है, तो हमने 1 वाले को ऑन किया, 4 वाले को ऑन किया, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 0 अपनी जगह पर दरमियान में रहेगा। इसी तरह 5 है 1 एंड 4 ऑन किया, 0 ऑन, इधर है 1 एंड 4 ऑन किया और ये हमारा, तो ये हमारे पास आ गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन बाय डायरेक्ट मेथड। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। हमेशा आपके पास जो है हमेशा आपके पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड का आंसर सेम आना लाजमी है, कोई छोटी सी गलती भी आपकी जो है दोनों के आंसर को डिफरेंट कर देगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी, आपको मजीद क्लियर करने के लिए, बाय डायरेक्ट मेथड ही दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जो दिया हुआ है वो है 3 2 1, 3 2 1 एक क्वेश्चन है, ऑक्टल नंबर है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के जरिए कन्वर्ट करें, अगेन हमारे पास 3 2 1 पेयर ले लें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 वैल्यूज डाल लें, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। क्लियर? नाउ 1 के लिए कौन सा बिट ऑन करेंगे? ये, बाकी दोनों बिट्स 0। 2 के लिए कौन सा बिट ऑन करेंगे? 2 के लिए कौन सा बिट ऑन करेंगे? 2 के लिए ये, बाकी बिट 0। 3 के लिए 2 प्लस 1 3 एंड 0। तो हम लोगों ने ये ऑन किया तो फाइनली हमारे पास 3 2 1 base 8 इज इक्वल टू, अब ये वाला जीरो ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख भी ले तो कोई जीरो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर और दरमियान वाले जीरो लिखना मस्ट है। तो हमने लिख लिया 1 1 0 1 0 0 0 1 and base 2। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, कोई क्वेश्चन कोई इशू आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले कन्वर्जन जो कि हम करने जाएंगे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।